नमस्कार, स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाते हैं मल्टीग्रेन मेथी पराठा, जो कि वो मल्टीग्रेन से तो भरपूर है ही, साथ में इसे मेथी और देसी घी की पौष्टिकता भी है। तो देखिए पौष्टिकता से लबाबब मेथी का पराठा कैसे बनाते हैं। मल्टीग्रेन मेथी पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे ये 9 ग्रेन आटा। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आपको सुपर बाज़ार में मिल सकता है, अमेज़ॉन पे मिल सकता है, ऑनलाइन मतलब आप कहीं से भी आप इसे मंगवा सकते हैं। मैंने 1 कप के करीब ये आटा ले लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी मेथी, 1 मुट्ठी मेथी है देखिए, इसको मैंने साफ करके धो के काट लिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं, जैसा आप खाते हैं। तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा मिर्ची भी डाल सकते हैं, और ज़्यादा नमकीन खाते हैं तो नमक भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। इनको मैं अच्छे से मिला दूंगी, आप चाहें तो इसमें और मसाले, चाट मसाला, जीरा पाउडर डाल सकते हैं। हमारे यहाँ एकदम सादा बनाया जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको पानी की सहायता से गूँथ लूँगी। इस तरह हमने आटे को गूंथ लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा लूंगी। और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। चलिए हम पराठे को बेलना चालू करते हैं। इसके लिए हम घी लगा लेंगे हाथ में और छोटा सा पीस तोड़ लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे अच्छे से। ये लोई तैयार हो गई है, या पेड़ा भी बोल सकते हैं, इसका पेड़ा तैयार हो गया है। पराठे अपने आप स्वाद और साइज के हिसाब से बनाए जाते हैं, आप चाहें तो पतले छोटे भी बनाएं या चाहें तो इससे भी बड़े बना सकते हैं, और 1/4 1/4 करके आप उसको दे सकते हैं सर्व करते समय। इस तरह कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने से क्या है, इसमें परतें बन जाती हैं अच्छे से, और परतों के कारण वो काफ़ी क्रिस्प बन जाता है। हम इसमें ऐसे आटा लगाएंगे, उसको हल्के हाथों से बेलेंगे। मेथी डले रहने के कारण थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, और मल्टीग्रेन है ये, जहाँ से ब्रेक होता है उसको जोड़ते हुए आप इसको बेल लीजिए। मल्टीग्रेन आटा है और साथ में मेथी है, तो ये पराठा तो बहुत ही पौष्टिक है। आप डायबिटीज़ के पेशेंट को भी दे सकते हैं। मेथी डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। इतना पतला बेल लिया, अब हम इसको तवे पर सेकेंगे। तवा ऑलरेडी मैंने गरम कर दिया है, तो इस पराठे को इस तवे पे धीमी आंच पे सेक लेंगे। इसमें हम इस तरह दोनों तरफ से घी लगाते हुए इसको क्रिस्प करते हुए पका देंगे। खूब अच्छी खुशबू आ रही है मेथी की, घी की। ये पराठा पक के तैयार हो गया है, हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरे पराठे भी पका देंगे।
मल्टीग्रेन पराठा मेथी वाला तैयार है खाने के लिए। है ना कितना आसान और कितना पौष्टिक। नॉर्मल मेथी का पराठा तो आप हमेशा खाते रहते हैं, एक बार आप इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे नींबू की अचार के साथ या फिर दही के साथ, पापड़ के साथ, दाल के साथ या किसी भी सब्जी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। आप इसे नाश्ते में, लंच में, डिनर में, जब मन चाहे बना के खा सकते हैं। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? आशा है पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपने विचार हमें कमेंट में देते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।